हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। मैं तन्हा नहीं चलता अब, मेरी दवा भी साथ चलती है। हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। मैं तन्हा नहीं चलता अब, दवा भी साथ चलती है। कुछ नहीं होगा मुझे अभी, जिंदा है मेरी माँ। जब भी मैं घर से निकलता हूँ तो उसकी दुआ मेरे साथ चलती है। हेलो दोस्तों, मैं कुमार प्रिंसिपल चैनल का स्वागत करता हूँ। और मैं इस वीडियो आज ये वीडियो बिल्कुल स्पेशल वीडियो है, इसलिए मैं आपको पहले ही निवेदन करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो पूरी देखिए, वरना आप इसको यहीं पर स्किप कर दीजिए, पूरी ना देखें। अगर आप इस वीडियो को तो देखना है तो उस पूरी वीडियो को देखें, वरना आप ना देखें प्लीज़, क्योंकि आज ये वीडियो पूरी जो है वीडियो बेस्ड है वो पूरे माँ के ऊपर बेस्ड है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देखें तो पूरा देखें, वरना आप इसको बीच में स्किप कर दें। चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस वीडियो में क्या है आज के लिए। आज सुबह मुझे एक सपना आया कि मुझे इस दुनिया में कोई अपना लाया। आज सुबह मुझे एक सपना आया कि मुझे इस दुनिया में कोई अपना लाया। वो कोई और नहीं थी, मेरी माँ थी, जिसने मुझे सारी गलतियों के बावजूद भी था अपनाया। याद है मुझे वो समय दिन अच्छे तरीके से, याद है मुझे वो समय दिन अच्छे तरीके से, जब मेरी माँ मुझे सिखाया करती थी कि ज़िंदगी को जीना है सही और सलीके से। मैं ना समझ था उस समय, नहीं समझ सका अपनी माँ की उस बात को। मैं ना समझ था उस समय, नहीं समझ सका अपनी माँ की उस बात को। बात बात में निकाल दी उसकी हर बात को। और अब वो समय है कि आंसुओं के साथ मैं निकाल रहा हूँ हर रात को, क्योंकि हर वो रात मुझे याद है, क्योंकि हर वो रात मुझे याद है, जब बीमार था मैं तो पूरी दुनिया सो रही थी, केवल एक मेरी माँ ही तो थी जो मेरे सर पर हाथ रखकर रो रही थी और कह रही थी भगवान से कि हे भगवान, मुझे तुम बस एक भीख दे दो, ये मेरा जो बेटा है तुम बस मुझे इसे सही सलामत और ठीक दे दो। और आज वो समय है जब ज़रूरत है माँ को मेरी, और आज वो समय है जब ज़रूरत है माँ को मेरी, पर मैं अभी भी ना समझूं, दुनिया के सामने खड़ा होकर कहता हूँ कि ये बंगला गाड़ी इज्जत शोहरत सब कुछ है मेरी। पर ये मैं कैसे भूल गया कि ये बंगला गाड़ी इज्जत शोहरत धन दौलत सब कुछ है उसी माँ की बदौलत। पर माँ अब समझ गया हूँ मैं अपने फ़र्ज़ को, पर माँ मैं समझ गया हूँ अब अपने फ़र्ज़ को। मुझे पता है कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी को लुटा भी दूँ पूरी दुनिया में भी, तो नहीं चुका पाऊँगा तेरे कर्ज को। माँ बस तू मुझ पर अब इतना कर्म करना कि मेरे सारे पापों को गलती समझकर मुझ पर रहम करना। अब मैं केवल अपनी ज़िंदगी को लुटाऊँगा तेरे कदमों पर और तुझ पर। अब मैं अपनी ज़िंदगी को केवल लुटाऊँगा तेरे कदमों पर और तुझ पर, क्योंकि मुझे अब समझ आ गया है कि ये दुनिया शुरू भी है तुझ पर और ख़त्म भी है तुझ पर।